तो गाइस इतने इंतजार के बाद देखो अभी सिब्बू पधार रही है। नमस्ते बेटा। तो अभी थोड़ा प्रेसिंग चल रही है, सिब्बू का शूट है ना। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, पसीने पोछ पोछ के ना पूरा यहाँ से लाल हो गया है और इतने पसीने आते हैं ना बस पूछो ही मत। और भाई गर्मी में इतना सारा काम और डेली यहाँ से मेरे को देखो गीला करना पड़ता है। अभी मैंने बस यहाँ थोड़ा गीला किया है, ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि पानी भी बहुत लगता है और ऊपर से ये आंधी चल रही है। आंधी तो डेली चलती है भाई, बहुत बुरा हाल है गर्मी का। मैं बंद ही कर देती हूँ इसे, बल्कि बंद करके रहने में ठीक है। अंदर की गर्मी सहन हो रही है, बाहर वाली नहीं हो रही। पंखा चला देती हूँ, पंखा भी बंद है देखो। और यहाँ पे चीनू क्या कर रही है, चीनू यहाँ पे बैठ के मजे से मैंगो खा रही है अकेले अकेले। वो वाला काट दे, ये तो वैसा था ना चूसने वाला आम, तो मेरा वो काट दे, मैं काट के खाऊंगी ठीक है। हाँ ये खा के कर दो, जब तक मैं उधर किचन में थोड़ा काम है वो निपटा लेती हूँ ठीक है। और गर्मी में भाई व्लॉग ऐसे ही बनते हैं, देख लो जो मैं बना रही हूँ उसी को लाइक वाइक कर दिया करो। आप ये देखो गर्मी में लोग घर से नहीं निकलते, मैं फिर भी व्लॉग बना रही हूँ जैसा भी बना पा रही हूँ, बाहर निकल के अंदर रह के जो भी घर में अपना काम करते हैं हम वो सब मैं दिखा रही हूँ इतनी गर्मी में। वरना सबका मन ये करता है कि आराम से लेट जाए। और एसी चलाती हूँ, हाँ और एसी तो मैं कम चलाती हूँ, मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, जितना मेरे से करा जा रहा है उतना मैं कर रही हूँ, आप लोगों को दिख भी रहा है। और साथ में चीनू भी, मैं मुझे भी पंखे में बिठा रखा है। तो तू अलग से है, तू भी तो साथ ही है मेरे, कह रही मुझे पंखे में बिठा रखा है तो क्या हो गया, पिंपल भी हो जाते हैं पंखे में। अच्छा बिना एसी के हो रहे मुझे पिंपल। मैंगो खाने से होते हैं पिंपल, मैंगो तो अच्छा लगता है इसी से होते हैं, मतलब किसी किसी को, मुझे नहीं होता कभी, मुझे स्किन का फर्क होता है। फर्स्ट टाइम हो रहा है। हाँ आज तक नहीं हुए थे ठीक है। ये देखो फलों का राजा आम, कितना बड़ा है, कितना सुंदर लग रहा है ना इसका, देख कलर कॉम्बिनेशन भाई, ये नेचुरल जो कलर है ना, ये ड्रेस में मुझे चाहिए लेकिन ये मुझे कभी नहीं मिलता, ये वाला चाहिए, ये वाली शेड ऐसे देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई। ऐसे कलर की सलवार, ऐसे कलर का सूट। हाँ काट दो, धो लो इसे है ना। हाँ। तो गाइस आज चीनू पोछा लगा रही है बैठ के, ये बोली मैं अच्छा पोछा लगाऊंगी, पूरे के गंदा हो रखा है रेत वेत सब, तो देखो बैठ के बहुत अच्छे से लगा रही है और सारा घर इसने चमका दिया है। अभी दिखाती हूँ पूरा, इसने बैठ बैठ के लगा रहा है सब सारा, ये देखो वैसे तो चीनू ने चमका दिया सब बढ़िया। अभी ये रूम बाकी है, अभी तो लगाएगी, चलो भाई लगा लाओ, मैं धो के दे दूंगी चीनू, ले आओ जल्दी बोलो। तो गाइस हम आज भी बाहर जा रहे हैं, मैं और चीनू, मैं भी तैयार हूँ, चीना भी तैयार है, चलो निकलो। ये ले ले भाई, ये ना कॉटन की जो चुनी है अपनी, ये भाई पसीना पोंछने में बहुत ही लाजवाब है, आप सब भी एक खरीद लो जिसके पास नहीं है। वैसे तो सभी के घरों में होती है पर फिर भी मैं बोल रही हूँ ये बहुत अच्छी है कॉटन की चुनियाँ। चलो भाई तो भाई बाहर देख लो एक बार कितनी सारी गर्मी है, गर्मी तो भाई बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अब इसमें तो दिख तो नहीं पाएगा, चलो आपको मोर दिखा देते हैं। पीकॉक देखो कितना प्यारा मोर है, और ये तो काफ़ी दूर है, बहुत ही सुंदर है भाई। एक वो बैठा एक, और उस नीम के पेड़ में ना बहुत सारे हैं, बहुत सारे छुप के बैठे रहते हैं अपना गर्मी से बचने के लिए। तो भाई चीनू अभी जोत लगा रही है, घी गर्म करती है ऐसे ही डाल देती है, गर्मी में सब कुछ पिघला पड़ा है, घी कहाँ जमेगा। कैसी बात कर रहे हो भाई, बोल रहे थे सर्दियों की याद आ गई थी। नहीं ऐसे बस वो निकल गई मुंह से अचानक, अब ऐसा बोलो मेरे मुंह तो निकलेगी, मेरी जुबान टूट गई मैं क्या बताऊं। तो कौन आने वाला है चीनू, कौन आने वाला, नहीं पता, रचित और सिब्बू आएंगे अभी थोड़ी देर में, पता है। तो फिर ऐसे ही बोल रही है कौन आएगा, तो मतलब भैया तो आएगा ही, वो तो घर है, वो तो घर है, मतलब घर है ना उसका, वो तो आएगा ही, जिसका घर ना उसके बताओ कौन आएगा, कोई मेहमान आता हो। तू जा चल लिगड़ लिगड़। तो गाइस मैं यहाँ पे दही जमा रही हूँ बहुत सारी बतीला भर के, और ये यहाँ पे लस्सी बना रही हूँ,
और मम्मी यहाँ पे बर्तन धो रही है। वो सारे पतीला भर के क्यों बना रही है वो बता। क्योंकि भैया आएगा इसलिए, क्योंकि उसको लस्सी दही बहुत पसंद है। यहीं पर हाँ। और ये मम्मी ने वही सूट पहना है जो मैंने मम्मी को गिफ्ट दिया था। मैंने आज ही पहन लिया। मैं दिखाओ सीधे ओके एक मिनट। अभी मम्मी ने वैसे ना इसके नीचे का प्लाजो नहीं पहना, ब्लैक पहन रखा है। इसके नीचे मैरून नहीं है प्लाजो। मम्मा कैसा लगा आपको? एकदम बढ़िया, देखो एकदम अच्छा डिजाइनर हल्का कपड़ा, सॉफ्ट कपड़ा, लाइट वेट कपड़ा है। मेरी चॉइस कैसी लगी आपको गिफ्ट? अच्छी लगी, बढ़िया लगी, मुझे पसंद भी आया। हाँ। अब रेडीमेड मंगवाओ, मंगवाओ और पहनो। हाँ, आज मेरे दिमाग कितना में अच्छा है इसका सब कुछ। कपड़ा देखो इतना सॉफ्ट है, देख बहुत हल्का कपड़ा और सॉफ्ट अच्छा है। और महंगा भी नहीं है, पर मैं रेट नहीं बताऊंगी। वैसे महंगा नहीं है, ज्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मल है। तो गाइज ये देखो चिनू का कुछ अलग दिख रहा है फेस। इसने लगा रखा है पाउडर फेस पे, क्योंकि बहुत गमोरी हो गई है अब गर्मी में। चिनू ने बहुत काम किया है और वो पसीना पूछ पूछ के पूरी गमोरी आ गई है। दाने हो रहे हैं छोटे 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 छोटे। कोई नहीं, चिनू हो जाएगा आराम। चिनू बहुत काम करती है। क्यों क्यों तो तेरी फैमिली बताएगी क्यों? बता सकती हो भाई, कमेंट आते हैं अच्छे अच्छे। अब हम क्या करें, बहुत एक नंबर टॉप कमेंट देख रहे। तेरा कितना ध्यान रखते हैं सब, है ना? कमेंट करते हैं ठोक ठोक के। क्या हूँ बोलो कुछ। अब मैं बोल रही हूँ कि मेरा चाप जो हम बाहर से खरीदते हैं वो नहीं पता मुझे कैसे बनता है। कुछ खाने का मन है, भूख लगी है। क्या चीज? कुछ चटपटा। चट और पटा, मैगी खानी है। चटपटा खाएगी? चटपटा चाटे मैगी चाटे मैगी। मैगी कब से चटपटी होने लगी? मैगी चटपटी हुई नहीं कभी। मैगी में लाल मिर्च गिरूंगी ना जो मैंने पीसी थी। अच्छा, लाल लाल मिर्च की फाकी मार, सारा तेरा जुखाम खांसी सब गायब। मैगी खानी है। मैगी ना खानी, मैगी खानी। चिनु मत बोला कर ऐसे। पिज्जा। हाँ पिज्जा खा लेंगे, पर मैगी नहीं। कल देखते हैं, कल प्लीज कल। कल का कल बताएंगे, कल वाली बात आज कैसे यहाँ भरूं मुंह से ऐसे। कर दो ना मम्मी ब्लॉग को एंड। अब कर चल, मुझे सोने दो। कर एंड कर। हमने मुझे परेशान कर रखा है बिल्कुल। हाँ ये मैं मान सकती हूँ, मैंने तुझे परेशान कर दिया। दिन में भी काम 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 काम। मैं सोच रही हूँ जब तक दिन बस काम ही काम कराते रहते हो। मैं सोच रही हूँ जब तक तू कॉलेज ना जाने लगे फिर से काम ही करा लूं। तो कॉलेज अब से थोड़ी अगस्त से स्टार्ट होते हैं। हाँ तो कोई नहीं, जब तक काम तो कराऊं, मेरा भी तो काम हो। परेशान हो गई मैं बिल्कुल। चल तुम लोग एंड कर। एसी चलाने देते ना कुछ खाने का देते, अच्छा बस काम ही काम करवाते रहते। कोई चीनू को देख के बता सकता है कि इसको खाने का नहीं मिलता? मैं दिन में बस दो रोटी खाती हूँ बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो तेरी सेहत के लिए बहुत है। दो रोटी और क्या, वो बस मैं खाती नहीं हूँ रोटी को, मुझे रोटी खाना पसंद नहीं है, मुझे और कुछ चीजें खानी है ना। पिज्जा। चल तू इस व्लॉग को एंड कर दी, मैं खवाऊंगी पिज्जा। प्रॉमिस। देख लो प्रॉमिस लेने आ रही है, मतलब विश्वास नहीं है। आई एम नॉट जो किन्नी की ला रही। फिर बताओ फिर। चल हो गया ना प्रॉमिस, देख हो गया पाउडर का प्रॉमिस। दू ये थोड़ा वैसे चिपक गया, पर ये है कि तेरे आराम हो जाएगा। तो भाई ये गमोरी वाला पाउडर है, इसने लगा रखा है। चल ओके गाइस, तो मम्मी को कमेंट कर देना कि चीनू को पिज्जा खिला दो, क्योंकि मुझे पिज्जा अगर अगर दिन हो गए। अगर कमेंट आए 100, ये बात नहीं है। नहीं 100
100 से ज्यादा है तो तुझे खिलाऊंगी 50। तू एंड कर व्लॉग को, मैंने बोल दिया 100 कमेंट कर देना, देख लो चीनू। कर देना प्लीज, मुझे पिज्जा खाना है। लास्ट मैंने तभी खाया था जब कभी व्लॉग बनाया होगा। गुड नाइट फास्ट फूड, गुड नाइट कुछ भी आप खाने नहीं देते हो, मुझे बहुत भूख लगती है। गुड नाइट बाय गाइस। ये देखो सुबह सुबह बारिश आ गई है, अब ये नहीं पता ये तेज आएगी या कितनी कम आएगी, और गर्मी ना हो जाए कभी इस थोड़ी सी बारिश से। और हवा भी चल रही है। भगवान थैंक यू बारिश के लिए। देखो गाइस इस बारिश के बिना सब अधूरा, फिलहाल तो बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो गाइस इतने इंतजार के बाद देखो अभी सिब्बू पद आ रही है। नमस्ते बेटा। नमस्ते, मैं बढ़िया, खुश रहो। कहाँ थे इतना लेट क्यों करा ये बताओ, इतनी देर से हम वेट कर रहे हैं आप दिखे ही नहीं, इतना इंतजार क्यों करवाया? आप कहते बोलिए बताओ, हम इंतजार कर रहे हैं भैया। मैं भी इंतजार कर रही थी और तुम भी इंतजार कर रहे थे तो बराबर हो गया। एक घंटे से बैठे आप दिखे ही नहीं हो मुझे। मैं काम कर रही थी ना, किचन में भी नहीं दिखे मैं छुपी हुई थी कि सिब्बू आके मेरे को ढूंढे। छत पे थे अभी। हाँ तो मैं पर सिब्बू ने देखो ढूंढा नहीं, इंतजार कर रही है यहाँ बैठ के, मतलब मेरी कमी महसूस नहीं हुई है ना। हुई थी, मैं कब आएंगे मुझे नहीं पता ना इतना। चलो ठीक है, और सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया, शूट है अभी। हाँ मैंने बता दिया था कि सिब्बू का शूट है तो ये ऊपर से उठे उठे है ना, ये देखो कल धो के ना वो गीले में ही, शायद गीले में क्लेचर लगा लिया। हाँ वो बन जाएगा वो निशान, मेरे भी हो जाएंगे, हो जाएंगे दोनों के तुम्हारे। मिक्की के तो फिर भी सीधे है ना, ये करवा रखे तुमने? नहीं, तो नहीं करवाता है आंटी। अच्छा रिबॉन्डिंग करवाता है हर महीने? नहीं होती वो, अभी सिब्बू के थोड़ी सी पीछे की तरफ तो तार छोटी पड़ेगी ना। हाँ ऐसे बैठो, तो अभी थोड़ा प्रेसिंग चल रही है, सिब्बू का शूट है ना, हल्का हल्की करिए चीनू हल्की। फिर धूप का था मैं, नहीं थी छाँव मिलो तक।